वैसे भी अक्षय कुमार के लिए 2022 का साल अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर बैक टू बैक उनकी 5 फिल्में फ्लॉप हुई हैं, जिसमें बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, राम सेतु, अतरंगी रे और रक्षाबंधन जैसी 5 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं और उनका बजट भी अच्छा खासा था। लेकिन इसके बावजूद भी अक्षय कुमार के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं, उनको बैक टू बैक कई सारी फिल्में ऑफर होती जा रही है। हेराफेरी 3 से उनका किनारा कट चुका है, उसकी जगह कार्तिक आर्यन को ले लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद उनके हाथ एक और कॉमेडी फिल्म लग चुकी है और उसका नाम है खेल खेल में। और इस मूवी में आपको दो हीरोइन मिलेंगी जिनके साथ वो पहले भी काम कर चुके, एक का नाम है वाणी कपूर और दूसरे का नाम है तापसी पन्नू। वाणी कपूर के साथ वो बेल बॉटम में नजर आए थे और तापसी पन्नू के साथ बेबी फिल्म में नजर आए थे। अब इन दोनों हीरोइन के साथ वो दोबारा कॉमेडी जोन में वापसी करने वाले और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे मदसर अजीज। वहीं मैं वर्क फ्रंट की बात करूं तो अक्षय कुमार इसके बाद आपको ओ माय गॉड, सोरा राई पोटरू जैसी कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। बाकी दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या खेल खेल में फिल्म बेहतरीन फिल्मों में से शुमार हो सकेगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।